वेलकम टू माय चैनल एंड फूड इज किचन बाय प्रतिका। आज हम बनाने वाले हैं लौकी का हलवा। उसके लिए मैंने एक मीडियम साइज लौकी को कद्दूकस कर लिया है। अब एक कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून घी लेना है और कद्दूकस किया हुआ लौकी डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे इसको लो फ्लेम में लगभग 5 से 8 मिनट के लिए। उसके बाद डालेंगे रोस्टेड नट्स। मैंने यहाँ पे काजू और बादाम डाला है, आप कोई भी डाल सकते हैं। अब 1 कप दूध में 1 चुटकी बेकिंग सोडा डालना है ताकि जब हम दूध लौकी में डालें तो दूध फटे ना। अब लौकी और दूध को अच्छे से पका लेना है और इसे गाढ़ा कर लेना है। यहाँ पे मैंने डाला है ग्रीन फूड कलर जो बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप शक्कर और अच्छे से मिला ले और आखिर में डालेंगे 2 चुटकी इलायची पाउडर और 1 टीस्पून कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हलवे को 10 मिनट के लिए पका ले जब तक हलवा घी ना छोड़े। यहाँ पे हमारा हलवा हो गया है रेडी। इसे सर्व करेंगे और गार्निश करेंगे आमंड्स, रोज पेटल्स और एडिबल गोल्ड फ्लेक्स के साथ। ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।